अहम खबर आवाज़ दियो। वफाकी काबीना के इजलास बाद ब्रीफिंग नी दे वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब और मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे है त चईन साल दौरान महंगाई बेरोजगारी कर्ज और खसारे में इजाफो थो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सुध समाजी वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब जीडीपी की शरह में घटताई थी। इमरान खान जो दौर मुल्क के करप्शन के वर चाढ़े वो। वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल समूरन हुकूमत 71 वरियन दौरान 25,000 अरब रुपया कर्ज वरतो। नवाज लीग 2,000 अरब रुपया कर्ज वठंदी हुई पर इमरान सरकार 4,500 अरब रुपया सालियानो कर्ज वठंदो रहियो आहे। इमरान खान 6% ग्रोथ न दिनी नई शयूं सस्तियूं कयूं। आगाह कई पा मिफ्ता इस्माइल इमरान खान बोजदार के भी तरक्याती कम न कया रुगो तख्तियों लगायूं आहिन। इमरान खान सालानियों कर्ज 900% वधाए छो है। वाकई आगाह कहीं पा सन चवण हो जैसे सबब अज भी मुल्क में 1,25,00,000 बार मुफलिसी वाली जिंदगी घारे रहा है। मिफ्ता इस्माइल इमरान खान मईशत बारूदी सुरंग लगे वो है। हुकूमत माशी बेहतरी लाए वड़ा कदम खड़ी रही है। इन हवाले से इस्लामाबाद का धरती टीवी न्यूज जो ब्यूरो चीफ नजीर चारण लाइन मौजूद है। जी नजीर बया तफसील आहिन? जी बिल्कुल अज वफाक कैबिनेट जो पेरों इजलास वजीर आजम शहबाज जैमें समूरन वफाक वजीर ममलकती वजीर वफाक कैबिनेट के इजलास में शिरकत कई। मजमू तौर से वफाक कैबिनेट के इजलास में 14 नुकाती एजेंडा से गौर विचार किया वो। वजीर आजम शहबाज शरीफ तरफा अज वफाक कैबिनेट जो पेरों इजलास हो जैमें समूरन वफाक वजीर ममलकती वजीर के मुबारक दिनों यह उम्मीद जाहिर कई तो जो है सो अज का इन कैबिनेट जहा मेंबर जे वजीर या ममलकती या वफाकी वजीर उसे अज केर का वी सो रात तीन मतलब 24 कलाक जो है मिनिस्ट्री में पे वजारत में आवाम के भलाई लाए आवाम की खुशहाली हवाले से तजवीज तजवीज पर अमल कर शुरू कर दींदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ काबिना के इन गाल भी जो है सो आगाही दिनी तो जी गुजरल हुकूमत हुई खास तौर पर इमरान खान की हुकूमत के जिक्र कदे टे साल 8 महीना जी उन्होंने हुकूमत कई है वह जो है सो आवाम के मथा एक अजाब तौर से साबित की है। उन्होंने आवाम के रिलीफ देने के बदला उन्होंने जो है सो खुदकुशियों कर मजबूर कर छी है। पर अज जी ये मौजूदा हुकूमत है जे जैमें अपोजिशन का गडो जी गुजरल अपोजिशन हुई है हाँ वे हुकूमत में उन्होंने इतिहादन से गदी कर इन आवाम के भलाई ला मैशत के बेहतरी ला जो जल्द थे उन्होंने लिए उपा वरता वा कोशिशू कई वी तो जी महंगाई की जी हुई राकास जो मुल्क में नाहली के कर गुजरल हुकूमत के नाहली के करो नाहल क्यादत के करो हुई राकास इन वक्त तीन घुमी रो है उनके खत्म कर समूरा जे इतिहादी हैं जे वजीर हैं उ गड़ी कोशिश कदी आवाम के असो ये वाजह तौर पर अजू जो सो ऐलान क्यों था जो महंगाई जो तूफान है उनके हर सूरत में खत्म कदी उनका गडो गड वफाक कैबिनेट के इजलास में वफाक वजीर ममलकती वजीर तरफा जो है सो मुख्तलिफ जे सो खास तौर पर वजीर दाखिला तरफा वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुल्क में जी अमन मान की सूरत हाल है उन हवा से तफसीली ब्रीफिंग दिनी जैसे वजीर आजम समूरन वफाकी वजीर ममलकती वजीर के ये हिदायत क्यों तो तेजो ऑफिस में चैम्बर में 24 कलाक जो है सो आवाम के भलाई ला जो है उतनी जी तवानियों कत बारियों और उन बेहतरी ला जो मुमकिन थी सके उन कदम खाया वन। शहबाज शरीफ जो यो चवण हो तो जो है सो जी गुजरल हुकूमत इमरान खान हो उन मुकम्मल तौर पर नाकाम की चुकी हुई मुख्य सो इन खराज तहसीन पेश क्या समूर मेंबर के जिन मुँह एतमाद कर इमरान खान खिलाफ अदम एतमाद की तैरी कई उनके कामयाब कराया हाँ जो समूर जो फर्ज है वजीर ममलकती वजीर समेत तो जो आवाम के भलाई ला जो है फौरी तौर पर जे कदम उड़न घुर्जन उनका गडो गड वफाक काबिना में खास तौर पर जो हिंसर नाने खाते जो वफाक वजीर है मिफ्ता इस्माइल उन नालो जो है ECL में शामिल थे हो गुजरल हुकूमत दाखिल किया अज जो है वफाक काबिना में उन नालो ECL में खारिज कर जी मंजूरी है वह दिनी वही है छोजो अज या सुबह जो है मिफ्ता इस्माइल जो नाने खाते से ताल्लुक रखे तो वजीर है आयशा गोसबख्स जी स्टेट मिनिस्टर भी है नाने खाते की उई गई जो है सो अज रात या सुबह जो है सो अमेरिका डा रवाना थी जिते IMF का जी वर्ल्ड बैंक
ओशन बैंक की स्टेरिंग कमेटी है उन मुलाकात क्या सती किस्त आईएमएफ तरफा पाकिस्तान के दिनी हुई जी रहल है उन हवाले से जो तफसीली तौर से उन्होंने गाल कई जै सिलसिले में मिर्ता इस्माइल जो नालो ईसीएल की लिस्ट में खारिज किया है और अज रात या सुबह जो अमेरिका रवाना थींदा हुकूमत की यही कोशिश है आईएमएफ से नए तरीके से नए सिर जोड़ से जो है सो गाल कई वन गुजरल हुकूमत जी आईएमएफ से गाल क्योंकि शर्तू रखी हुई जन सो जो है सो आवाम दुश्मन हुई अस चाहूँ था ये मौजूदा हुकूमत चाहे थी तो आवाम के बेहतरी लाए फौरी तौर से जन सो आईएमएफ से बेहतर तजवीजों के हवाले से गाल फाइनल कर सती किस्त जी पैसा उ पाकिस्तान के दिया वन उनखा वफाई काबिना इजलास का जी मामूल मुताबिक जी वफाई काबिना के हवाले से ब्रीफिंग दिनी हुई है इन सिलसिले में अज जो है सिख समाज की वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ए नाणे खाते वफाकी वजीर मिर्ता इस्माइल तफसीली ब्रीफिंग दींदे जी मौजूदा हुकूमत है उनकी यही कोशिश है तो आवाम के अस जो न सिर्फ महंगाई में जो दुबड़ में कदूँ पर उनके रोजगार दई पे पेर से बिहार ला हर मुमकिन कोशिश क्यों इन सिलसिले में अस आईएमएफ से वर्ल्ड बैंक से एशियन बैंक से नए सिरे से गाल शुरू कर प्रोग्राम जोड़ो है इन सिलसिले में असा सुबह या अज जो है सो अमेरिका ला रवाना थी मरियम औरंगजेब जो यो चवण हो तो जी ये हुकूमत है इन न सिर्फ जो है सो मीडिया की आजादी से जो है सो कदगन लगाया पर जे आवाम के जीण जहा जे वसीला हुआ उन्होंने न सिर्फ काबिज थी कर खत्म किया वो पर उन्होंने करप्शन का सवाल बो कें किस्म की जो है सो उन्होंने हुकूमत ना कई मरियम औरंगजेब यो भी तो ये हुकूमत न सिर्फ जो है सो इतिहादन की है पर ये असल में अवामी हुकूमत है असाज इतिहादन से गड़ी कर यही कोशिश होंगी तो जो है अवाम के वद खां वद रिलीफ दिनों वे ठीक है वही मेहरबानी तफसील के लिए।